हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पायल्स पेशन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही फेमस हलवा पराठा की रेसिपी। बहुत सिंपल रेसिपी है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊँगी इस तरह का पराठा और ये हलवा आप कैसे बना पाएंगे। तो रेसिपी को पूरा देखें, बीच बीच में स्किप ना करें और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाला है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पराठों के लिए डो लगाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ली है। वजन में नापें तो ये 250 ग्राम मैदा है और इसके अंदर हम 1/4 कप घी मिलाएंगे। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी मिला सकते हैं। और फिर उसमें 2 टेबल स्पून में भरकर दही डाल रही हूँ। ये ज़रूर डालें फ्रेंड्स, तभी बहुत अच्छे बनेंगे हमारे जो पराठा है। और 1/2 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बाज़ार में यहाँ पर घी की जगह डालडा घी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर मैंने देसी घी यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। घर पर बना रहे हैं तो बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाएंगे और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से अब मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है पूरा, ताकि इस तरह की मुट्ठियाँ बनने लग जाए। इसका मतलब हमारे जो डो में मोयन है वो परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस हम आटा को लगाएंगे। ये बिल्कुल हमारा स्मूथ आटा बनकर रेडी होगा, यानी कि बहुत ना हार्ड हो ना पतला हो, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें इसका लगाना है, तभी इसके सॉफ्ट पराठे बनेंगे। और जो लेयरिंग आएगी अंदर वो भी आपको बताऊँगी किस तरीके से आती है, एक एक स्टेप आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डो लगा लिया है। देखिए, आपको दिखा रही हूँ किस तरह का पतला डो मैंने लगाया है। अब 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे। इसी बीच हम अपने हलवे के लिए चाशनी बना लेते हैं। हम यहाँ पर कोई तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, सिर्फ पानी और चीनी को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 कप भरकर पानी लिया है और उसमें मैंने 1 कप भरकर चीनी डाली है। अब इन्हें एक बार मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद में 1/4 कप में ऑरेंज कलर डालकर हम इसमें डाल देंगे, मिला देंगे, क्योंकि मार्केट में भी जो मिलता है वो ऑरेंज कलर का ही मिलता है। और 2 इलायची मैंने यहाँ पर तोड़कर डाल दी हैं, ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो अभी ने अच्छे से मिक्स कर दी और जब भी चीनी मिक्स हो जाए, पूरा पानी में घुल जाए, तो गैस को ऑफ कर दे। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी है और उसमें मैंने 1/2 कप घी डाला है और 3/4 कप मैं यहाँ पर बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। आप इस हलवे के लिए बारीक सूजी ही लें, क्योंकि ये हलवा बारीक सूजी से ही बनता है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सी में उसे 3 से 4 बार चला लें पल्स पर और उसके बाद में इसे यूज़ करें। तो देखिए, इस तरीके से आपको मैश करते हुए पूरे घी में सूजी को अच्छे से भूनना है और सिम गैस रखने, ये बात ध्यान रखें, पूरा 5 मिनट तक आपको सिम गैस पर ही इसको इस तरीके से भूनना है, ताकि एक एक दाना इसका बहुत अच्छे से भून जाए, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हलवा बनकर रेडी होता है। तो फ्रेंड्स, इसी बीच आपको याद दिला देती हूँ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, इस हलवे के लिए जितनी आप सूजी लें उससे 5 गुना आपको पानी का यूज़ करना है और चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर थोड़ा सा मीठा तेज हो इसमें तभी अच्छा लगता है, क्योंकि पराठे के साथ ये खाया जाता है हलवा, तो थोड़ा सा लिक्विड होता है नॉर्मल हलवे से और थोड़ा मीठा ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से देखिए, ये भुन चुकी है पूरी सूजी, इसकी पहचान है कि चारों तरफ से घी इसका ये छोड़ने लगती है और थोड़ा सा ये साइज़ में डबल होने लगती है और इस तरीके से सेंटर में घी इसमें आने लगता है। ये आपको एक पहचान बताई है परफेक्ट हलवे की। तो देखिए, इसी स्टेज पर मैं जो अपनी चाशनी हमने बना के रखी हुई थी, चीनी पानी का घोल, उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। अभी आपको लिक्विडी लग रहा होगा तो, पर बहुत जल्दी से ये सारा पानी सोख लेती है जो सूजी हमने भुनी है, और फिर उसके बाद में यही पानी आपको कम लगेगा, पर ये थोड़ा लिक्विडी होता है, ये भी बात ध्यान रखिए। बाकी का बचा हुआ पानी भी मैंने इसे मिला दिया है और फिर इसे हम बीच में हमने सिम गैस कर दी थी, ताकि एकदम से इसमें लम्स ना पड़े और बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर सकें। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से फटाफट से मिक्स कर देना है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से लम्स पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये आप बात ध्यान रखें कि चाशनी का पानी डालने के बाद में आपको कंटिन्यूस चलाना है और परफेक्टली ये तभी तैयार होगा जब आप 1 मिनट के लिए इसको कवर कर कर रख देंगे सिम गैस पर। उससे जो सूजी है अंदर तक पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा सा हमारा हलवा रेडी होगा। देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कितना स्मूथ है टेक्सचर हलवे का। इसे बिल्कुल बाजार की तरह ही गार्निश करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डालेंगे, क्योंकि वो भी ऐसे ही डालते हैं मार्केट में। और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर मैं कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, और चेरी से भी गार्निश करेंगे। बिल्कुल मार्केट वाला हम हलवा पराठा बनाने वाले हैं फ्रेंड। और 10 मिनट हो चुके हैं, हलवा तो रेडी हो चुका है। अब अपने डो को भी देख लेते हैं पराठे की, और इसे 1 से 2 बार इस तरीके से हम इसे पटकेंगे, थोड़ा सा इसकी पिटाई कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा घी लगाएंगे
और फिर इस तरीके से आपको खींच खींच कर इस डो को रेडी करना है। ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसी से पराठा हमारा कई लेयर्स वाला बनता है और थोड़ा क्रिस्पी रहता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रेडी होता है। देखिए इस तरीके का सॉफ्ट डो आपको चाहिए। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेती हूँ, एक पराठा आपको बनाकर दिखाती हूँ किस तरीके से हमें बनाना है। हम बेलन से नहीं बनाएंगे, जैसे हलवाई बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे हाथ से ही, और बाद में आपको एक बार बेलन से भी बता दूँगी। अगर आपको ये करने में दिक्कत आती है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगा लें और फिर उसके बाद में इस तरीके से आप दोनों हाथों से इसे फैलाते रहें। किनारों पर से इसे बड़ा करना है, किनारे इसके मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैदा बेलने के बाद भी थोड़ा सा श्रिंक होती है। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा हो सके किनारों पर इसे फैलाएं और बड़ा करते जाएं। जितना बड़ा कर सकते हैं आप उतना बड़ा कर लीजिए। पैन आपके पास अगर बड़ा है तो आप बड़ा पराठा बना सकते हैं, पर हम घर पर ही बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं बड़ा होता। मार्केट में तो बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई में बनाते हैं वो। देखिए यहाँ पर मैंने ये पैन लिया है और फिर उसको पूरा बड़ा करने के बाद में इस तरीके से इसमें थोड़ा सा होल कर देंगे ताकि ये फूले नहीं भटूरे की तरह या पूरी की तरह। तो ये भी करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, ज़रूर करें इस तरीके से, वरना ये फूल जाएगा तो पराठा नहीं या भटूरा या पूरी लगेगा। तो अब इसको आप डालने के बाद में कंटिन्यूस चलाएँ जिससे कि इसका कलर भी डार्क ना हो, और तेज़ गैस में ही मैंने इसे डाला है। ये ऐसे ही सेका जाता है वरना ये हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे चलाते हुए पलट दें, पलटने में भी सावधानी रखें क्योंकि ये पूरा ऑयल में हम डाल के अब थोड़ा पलटते हैं, तो थोड़ा सावधानी से ही पलटें वरना तेल बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आपको इसे चलाते हुए सेकना है और तेज़ गैस पर ही सेकें और फिर उसे आप तेल निचोड़ कर आप बाहर निकाल लें। तो ये हमारा सेक चुका है, अब इसे मैं स्पून की हेल्प से ही थोड़ा सा इसे ऐसे टेढ़ा कर थोड़ा ऑयल इसमें ही निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद में मैं आपको एक बार बेलन से भी करके बताऊंगी। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो बेलन से आप इस तरीके से बढ़ा लें इस पराठे को और फिर इसमें बीच में होल कर लें इस तरीके से, और इतना थिकनेस आपकी लग रही है उसके बाद में हाथ से थोड़ा बड़ा करें और उसे आप पैन में डाल लें। तो इसी तरीके से आप दूसरा भी ये सेक सकते हैं। आप इसमें लेयरिंग भी दे सकते हैं, लेयर भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। पर ऐसे भी इसमें बहुत अच्छी सी देखिए लेयर आ चुकी हैं और कितना सॉफ्ट और कितना क्रिस्पी लग रहा है दोनों ही तरीके से। मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा हमारा पराठा बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है देखिए, और खाते हैं तो थोड़ा सा क्रिस्पी भी लगता है। और इसे ऊपर से ऐसे ही गार्निश करते हैं जैसे कि हलवाई करके रखते हैं, और दूर से ही देखकर खाने का मन करता है। ऐसे ही हम बिल्कुल घर पर बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर शेयर करें और इस तरह से गार्निश करें जैसे बिल्कुल ही हलवाई ने बनाकर रखा है। कितनी कम मेहनत में और कितने कम टाइम में हमने इसको रेडी कर लिया है। तो अब आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर इसे बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और देखिए कितना लाजवाब लग रहा है हलवा पराठा, आ रहा है ना आपके भी मुँह में पानी। तो अभी बनाइए और मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए एक बार फिर मिलती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कमेंट।